बिहारी बाबू के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता और राजनीति में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस की राजनीति करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सिन्हा को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की सीमा झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में लगी हुई है। यहां पर हिंदी भाषा मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसे देखते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा उपचुनाव के लिए आसनसोल से उम्मीदवार घोषित करने की जानकारी दी है। साथ ही ममता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो को विधानसभा उपचुनाव के लिए बलीगंज से उम्मीदवार बनाया है। बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा के बाद आसनसोल सीट खाली हो गई थी। पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा और विधानसभा की चार सीटों पर अगले महीने की 12 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। पिछले साल मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और टीएमपी में शामिल हो गए थे।